हाय फ्रेंड्स, तो लग रहा है ना ये चिकन एकदम टेम्पटिंग, बहुत ही लाजवाब रेसिपी है ये। ये है क्रिस्पी फ्राइड चिकन, जो बहुत ही क्विकली बन जाता है, झटपट बनने वाली ये इजी सी रेसिपी। आप एज अ स्टार्टर, एज एन एपेटाइजर खा सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं एज अ स्नैक भी। शेयर करूंगी ये रेसिपी आपके साथ। अगर आपको पसंद आई ये वीडियो तो इसे दीजिएगा अपना ढेर सारे लाइक्स और साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम एक बेसिक सा मैरिनेट बनाएंगे, जिसके लिए मैंने ये लिए हैं 4 लहसुन की कलियाँ, साथ में ये 2 इंच का अदरक का टुकड़ा, जिसको इस तरीके से बारीक काट कर हम डाल देंगे ब्लेंडर जार में। अगर आपके लहसुन की कलियाँ थोड़ी पतली हैं तो आप थोड़ी ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने थोड़ी थिक लहसुन की कलियों का इस्तेमाल करा है। उसके साथ साथ डाल दिया 2.5 टेबल स्पून दही और नमक, साथ में 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर और 1 चम्मच कसूरी मेथी। सब चीज़ों को अच्छे से पीस लेंगे और इसका बना लेंगे एक पेस्ट, जिसको हम मैरिनेट की तरह इस्तेमाल करने वाले हैं। चिकन ले लिया मैंने यहाँ पर, चिकन है अप्रॉक्सीमेटली 800 ग्राम्स, और देख सकते हैं आप छोटे साइज़ के पीसेस का इस्तेमाल करा है मैंने। ये जल्दी कुक हो जाते हैं जब हम इसको फ्राई करते हैं। तो अब मैरिनेट जो हमने बनाया था पीस कर वो डाल दिया, साथ में डाल दिया 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल, और मैरिनेट और ऑयल के साथ इस चिकन को अच्छे से कर देना है आपको कोट। तो बस बेसिक सी चीज़ जो ध्यान यहाँ पर देनी है वो, आप अगर बड़े साइज़ के चिकन के पीसेस लेंगे तो थोड़ा कुकिंग टाइम, कुकिंग प्रोसेस बढ़ जाएगा। आप देख सकते हैं मैंने बहुत छोटे छोटे पीसेस का इस्तेमाल करा है, और उसके साथ साथ लेग पीसेस भी हैं इसमें। थोड़ा सा इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पे फूड कलर, ये ऑप्शनल है, अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो स्किप कर सकते हैं ये स्टेप और फूड कलर को ना ऐड करें। थोड़ा सा रंग बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल आ जाता है, इसलिए इस्तेमाल कर रही हूं मैं ये। तो अच्छे से आप देख सकते हैं कोट हो गया मैरिनेट जो हमने प्रिपेयर करा था। तो अब इसको ढककर हम रख देंगे करीब करीब 1 घंटे के लिए। आप चाहे तो ज्यादा देर के लिए भी रख सकते हैं इसको, 1.5-2 घंटे के लिए भी इसको आप रख सकते हैं, फ्रिज में रख दें। लेकिन जब इसको बनाना हो आपको तो उससे पहले कम से कम 15-20 मिनट पहले से निकाल लें। तो मैंने इसको 1 घंटे के लिए रख दिया था और इसको निकाल लिया था 15-20 मिनट के लिए फ्रिज से बाहर। और उसके बाद अब इसके अंदर डाल देंगे हम कॉर्नफ्लावर, 2 टेबलस्पून डाला है मैंने यहाँ पर। बहुत ज़्यादा कॉर्नफ्लावर का इसमें आपको इस्तेमाल नहीं करना है, 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर डाल के इस तरीके से आपको इसको कर देना है मिक्स। अब ये बिल्कुल रेडी है फ्राई करने के लिए। तेल को अच्छा तेज़ गर्म कर लें, लेकिन जब चिकन के पीसेस आप इसमें डालने लगे तो फ्लेम को बिल्कुल लो करके आपको चिकन पकने देना है, नहीं तो एकदम से चिकन ब्राउन हो जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा। जो चिकन लेग पीसेस हैं उन पर मैंने लगा लिए इस तरीके से कट, ताकि अंदर तक मसाला जा पाए और अंदर तक चिकन अच्छे से फ्राई हो पाए और ब्लैंड ना लगे। अब चिकन फ्राई करते हुए 3 चीज़ों का ध्यान रखें। पहला, एक साथ बहुत सारे पीसेस नहीं डालने हैं, इसलिए हम इसको 2 बैचेस में फ्राई करेंगे, जिससे कि तेल का टेम्परेचर कम ना हो और इवनली सारे पीसेस कुक हो पाएँ। दूसरी चीज़ कि आप इसको चिकन को डालते ही उलट पलट एकदम से इसको करना ना शुरू कर दें, वरना जो कोटिंग आने वाली है, जो क्रिस्पी कोटिंग से आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो निकलने लगेगी और तेल में आने लगेगी। तीसरा, धीमी आंच पर इसको थोड़ी देर पकने दें, ताकि ये अच्छी सी एक कोटिंग डेवलप कर पाए। और उसके बाद थोड़ी देर जब चिकन आपको लगे कि कुक हो गया, तो थोड़ा सा मीडियम फ्लेम करके आप इसकी कोटिंग को और क्रिस्प कर सकते हैं। अब जो दूसरा बैच है चिकन का, वो भी हमने फ्राई करने के लिए इस तरीके से डाल दिया, और इसको भी तेल अच्छा तेज़ गर्म कर लिया था, लेकिन धीमी आँच पर अब इसको पकने देंगे, ताकि बिल्कुल अच्छे से अंदर तक ये पक जाए। तब तक प्रिपेयर करते हैं चटनी, जिसके लिए मैंने लिया है यहाँ पर 1 बंडल धनिया, जिसमें डाली है 3 हरी मिर्चें और 1/2 टमाटर और नमक। बहुत ही सिंपल सी ये चटनी है जो बहुत ही लाजवाब बनती है। इस तरीके की चटनी बनाकर हमने तीखी तैयार कर ली है और इसको सर्व करेंगे फ्राइड चिकन के साथ, बहुत ही लाजवाब लगती है। तो ये हमारी चटनी तैयार हो गई। अब चलते हैं चिकन सेकंड बैच जो हमारा फ्राई हो गया, उसको भी इस तरीके से अच्छे से निकाल लें आप इसमें से तेल, और उसके बाद पीसेस को डालें एक पेपर टॉवल या टिश्यू पेपर पर। अब जिस तेल में हमने इसको फ्राई करा है उसको मैंने छान लिया है, जिससे कि जो इस तरीके के बड़े बड़े पीसेस चिकन के आ गए हैं या कॉर्न स्टार्च के आ गए हैं, वो निकल के बिल्कुल अलग हो जाए और वो चिकन पे बिल्कुल स्टिक ना हो, जब हम सेकेंड टाइम चिकन को फ्राई करें उसे एक्स्ट्रा क्रिस्पी बनाने के लिए। तो अब हम कर रहे हैं चिकन को सेकेंड टाइम फ्राई, जिसके लिए तेल आपको बहुत तेज़ गर्म कर लेना है, और उसके बाद सिर्फ 2 मिनट के लिए ही चिकन को इसमें करना है फ्राई। तो इसका बेसिक सा फंडा यही है कि जब हम एकदम तेज़ गर्म तेल में, तेल अच्छा स्मोकिंग हॉट जब होता है और उसके अंदर चिकन के पीसेस को डालते हैं, तो 2 मिनट के अंदर चिकन एक्स्ट्रा क्रिस्पी हो जाता है। उससे ज़्यादा गर्म फ्राई करेंगे तो चिकन हमारा बर्न होने लगेगा, जो हम क्रिस्पी कोटिंग लाना चाह रहे हैं क्विक तरीके से वो नहीं आ पाएगी।
तो बस ये 2 मिनट मैंने इसको कर लिया है फ्राई, और उसके बाद इसको निकाल लेंगे। तो ये मैजिक देखा आपने सेकेंड टाइम फ्राई करने का, एक्स्ट्रा क्रिस्पी हो गया चिकन हमारा, एकदम मज़ेदार कड़क सा चिकन बनकर तैयार है। अब कर रही हूँ मैं एक एडिशनल स्टेप जो बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप करना चाहें तो करें, वरना सिंपल चिकन इस तरीके से भी आप सर्व करेंगे चटनी के साथ तो बहुत लाजवाब लगता है। हल्का सा तेल को गर्म करके उसमें करी पत्ता को फ्राई कर लें, थोड़ा सा क्रिस्प करी पत्ता हो जाता है जो बहुत अच्छी खुशबू ऐड कर देता है। और बिल्कुल कुछ सेकेंड्स के लिए इसमें हरी मिर्च भी फ्राई कर लें, 2-4 चीरा लगा के। लेकिन जब आप हरी मिर्च फ्राई करें तो बहुत केयरफुल होकर करें, क्योंकि हरी मिर्च गर्म तेल में डालते ही छटक कर आपके ऊपर आती है, तो अपने आप को प्रोटेक्ट करके आपको करना है ये स्टेप। और बस इस तरीके से हरी मिर्च और करी पत्ता को निकाल लेना और पेपर टॉवल पर, तो कम तेल का इस्तेमाल करके इसको बस हल्का सा भून लें एक तरीके से, कि ये इस तरीके से करारी हो जाए। इस करारी हरी मिर्च को हम डालेंगे चिकन के साथ, मिक्स करेंगे, लेकिन उससे पहले इसमें डाल देंगे हम चाट मसाला, और ऊपर से डाल देंगे ये फ्राइड करी लीव्स और हरी मिर्चें, और निचोड़ देंगे पूरा 1 नींबू का रस। और इसको अच्छे से अब मिक्स करके गर्मा गर्म हम इसको करेंगे सर्व। तो ये बढ़िया सी तीखी हरी चटनी के साथ सर्व करें ये क्रिस्पी क्रंची मसालेदार सा चिकन फ्राई, और इन्जॉय करें ये डिलिशियस रेसिपी जो बनाने में जितनी आसान है, खाने में उससे बहुत ज़्यादा डिलिशियस है। ट्राई करें ये रेसिपी, और अगर आपको पसंद आई ये वीडियो तो इसे शेयर करें अपने लव्ड वंस के साथ, अपनी फैमिली के साथ, और इन्जॉय करें इसको इस तरीके से, ऊपर डालें चाट मसाला, नींबू का रस, और गर्मा गर्म इसको करें सर्व और इन्जॉय करें। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई है, अगर पसंद आई है तो इसे लाइक दिए बिना बिल्कुल मत जाइएगा, और साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आई एम श्योर आप इसे बनाएंगे तो बहुत इन्जॉय करेंगे। बस कुछ जो टिप्स और ट्रिक्स मैंने शेयर करी हैं उसको ज़रूर से फॉलो करें, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वाइल फ्राइंग चिकन और करी लीव्स और हरी मिर्च भी जब आप एंड में फ्राई करके डालते हैं तो जस्ट बी अ लिटिल केयरफुल। मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्दी एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक आप इसे बनाएं, खाएं और इन्जॉय करें। टिल देन टेक केयर, सी यू विद द नेक्स्ट रेसिपी वेरी सून। गॉड ब्लेस।